हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शंकर। आप सभी को हमारा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा आप लोग कैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा आप ग्रामीण क्षेत्र में अगर रहते हो, आप घर के लिए अप्लाई किए थे, आपके लिस्ट में आपका नाम है कि नहीं है, आप कैसे उसको चेकआउट कर सकते हो ऑनलाइन से खुद से ही। कौन सी पोर्टल से चेक करना है, कैसे चेक करना है, उसका ही कॉम्प्लीट डिटेल्स आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो के अंदर। इसलिए वीडियो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, वीडियो को स्किप मत करिए, फर्स्ट से लास्ट तक देखते रहिए। हमारे चैनल पर जो लोग पहली बार देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, पशु बेल आइकन है उसको जरूर हिट कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल और अर्निंग से रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहेंगे इस चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हो ये जो पोर्टल है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इस क्षेत्र में आपको आना है इस पोर्टल में। पोर्टल का लिंक रहेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस पेज में आने के बाद आपको इस पेज में आपको बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाया जाएगा। यहाँ पर आपको ऊपर में एक ऑप्शन आपको मिलेंगे, यहाँ पर आवास सॉफ्ट यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जब भी आप यहाँ पर आप क्लिक करोगे, आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाया जाएगा, जैसे डाटा एंट्री, रिपोर्ट और भी ऑप्शन है। तो आपको रिपोर्ट जो सेक्शन है, यहाँ पर आपको सिंपली रिपोर्ट वाले सेक्शन में क्लिक करना है। रिपोर्ट सेक्शन में क्लिक करने के बाद आपके सामने और भी बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन आपको दिखने को मिलेंगे। इस ऑप्शन में से एकदम आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको लास्ट में एक ऑप्शन मिलेंगे, बेनिफिशियरी डिटेल्स फॉर वेरिफिकेशन, सोशल ऑडिट रिपोर्ट यहाँ पर ऑप्शन है, बेनिफिशियरी डिटेल्स फॉर वेरिफिकेशन। ये जो ऑप्शन है, यही ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। यही ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको पहला दिखाया जाएगा ऑल स्टेट। नीचे आपका जो भी स्टेट है, आप जिस भी क्षेत्र में देख रहे हो, आपका स्टेट आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो आप इसमें से आप आपका स्टेट सिलेक्ट करिए, जो भी स्टेट में आप रहते हो। तो आप इस बहुत सारी बहुत बड़ी लिस्ट है, इंडिया के बहुत सारे यहाँ पर लिस्ट दिया गया है सभी स्टेट का। स्टेट देने के बाद आपको यहाँ पर आपका जो भी आपका ब्लॉक नेम, वो यहाँ पर आपको डाल देना है। ब्लॉक नेम डालने के बाद और भी ऑप्शन आते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट का नेम भी आपको यहाँ पर डाल देना है, स्टेट डिस्ट्रिक्ट डालना है, उसके बाद आपका ब्लॉक का नेम डालना है, उसके बाद आपका गाँव का या कस्बे का नाम आपको यहाँ पर डालना है। एक एक करके और सभी ऑप्शन यहाँ पर एक एक करके खुलते जाएंगे, आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो आप एक एक करके इस यहाँ पर जो ऑप्शन है, वो ऑप्शन आप यहाँ से एक एक करके यहाँ से चूज कर लीजिए। लास्ट में आते हैं, यहाँ पर आपको साल देना है, जैसे आपको 2023 और 24 यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेंगे। सभी ऑप्शन है 2021, 2022, 2023, 2024। तो आपको लास्ट जो ऑप्शन है 2023, 2024, इस लिस्ट में, इस ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है। ये जो है ये नया लिस्ट है, तो इसके लिए आपको 2023, 2024 ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे और एक ऑप्शन आता है, जिसमें आप सिलेक्ट करके आपका ऑप्शन यहाँ से चूज करना है। तो यहाँ पर जब भी आप क्लिक करोगे, आपको पहला ऑप्शन चूज करना है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। ये जो पहला ऑप्शन, वो आपको चूज करना है। ये ऑप्शन चूज करने के बाद ही आप सर्च कर सकते हो। तो सभी ऑप्शन मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया है। नीचे जो कैप्चा कोड है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर सिंपली तरीके से यहाँ पर फिल करना है। कैप्चा कोड आपको फिल करने के बाद आपको नीचे जो सबमिट वाले बटन है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो नीचे जो सबमिट बटन है, सबमिट बटन में आप सिंपली तरीके से यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। सबमिट बटन में क्लिक करने के बाद कुछ देर वेट करिए। वेट करने के बाद आपको नीचे यहाँ पर आपको लिस्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ये लिस्ट में से आपका नाम देख सकते हो, यहाँ पर आपका बेनिफिशियरी फादर्स नेम, नाम, आपका जो एप्लीकेशन सीरियल नंबर वो दिखाया जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आप देख सकते हो। यहाँ पर आपका जॉब कार्ड अगर है, उसका भी नंबर आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा। इस लिस्ट में से आप नाम चेक कर लीजिए। इस पीडीएफ को आप डाउनलोड भी कर सकते हो, यहाँ पर डाउनलोड करने का भी ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। आप यहाँ पर साल देख सकते हो, PMAYG 2023-24, अर्थात फाइनेंशियल ईयर, ये जो फाइनेंशियल ईयर है 2023-24, इसका ही नया लिस्ट यहाँ पर दिया गया है। अगर आप ऊपर आओगे, आपको यहाँ पर ऊपर में डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेंगे, जैसे आप एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो, आप पीडीएफ फॉर्मेट में भी इस लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है। तो पीडीएफ अगर डाउनलोड करोगे, आपके सामने ऐसा कुछ पीडीएफ आपको देखने को मिलेंगे। इस पीडीएफ में आपको कितना पैसा मिलेंगे, कौन सी डेट में, वो सारा कुछ डिटेल्स इस लिस्ट में आपको दिया गया है, इस पीडीएफ फॉर्मेट में। तो ऐसे ही आपको चेक कर लेना है प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा आपके